हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट शेटिक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम पिछले स्टेटस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं कंप्लीट किया है तो उसे जाके आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको जाके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा एंड उसमें जो भी आपको क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड बताया गया है उसे आप नोट कर लीजिएगा। सो आज के इस वीडियो में हम पार्ट थ्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको इससे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड बताया जाएगा उसे आप नोट्स करते हुए चलिएगा। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सांख्यिकी अनुसंधान से क्या आशय है? इसके विधि के गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। डिफाइन स्टैटिक्स, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो आपको डिफाइन स्टैटिक्स बतानी है, इसकी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है। आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये प्री वाई क्यू 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन के सारे बेस आपके सारे क्वेश्चन हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से ज्वाइन होकर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आएगा या कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स होगा आपको तो वहाँ से आके हमसे पूछ लीजिएगा। सो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, सांख्यिकी निर्देशन का अर्थ बताइए, दैव निर्देशन की विधियाँ बतानी है आपको। डिफाइन स्टैटिकल सैंपल्स, डिस्क्राइब द रैम्बल सैंपलिंग मेथड्स। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बनाए हुए क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें पूछ लिया कि सांख्यिकी निर्देशन क्या होता है, तो आपका नेक्स्ट में पूछा होगा कि सांख्यिकी निर्देशन से आपकी विधियाँ बतानी है या रीतियाँ बताइए, इसके विधियों का गुण बताइए, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसे। इसमें आपको 2 से 2.5 पेज लिखनी रहती है अगर लॉन्ग में पूछता है। अगर शॉर्ट में पूछता है आपका तो आप इसे 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सांख्यिकी इकाई क्या है, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? व्हाट इज स्टैटिकल यूनिट, व्हाट आर इज डिफरेंट टाइप्स। तो आपको सांख्यिकी इकाई के बारे में डिस्कस करनी है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको और बीकॉम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक समंकों से क्या आशय है, इसके दो विधियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन प्राइमरी डाटा, एक्सप्लेन द टू मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा। तो आपको प्राइमरी डाटा के बारे में एक्सप्लेन करनी है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसके नोट्स आप जरूर रेडी करिएगा। इन सारे क्वेश्चन के अच्छे से नोट्स रेडी कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 है, प्राथमिक समंकों तथा द्वितीय समंकों से क्या आशय है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लियरली। तो आपको प्राइमरी समंकों एंड द्वितीय समंकों में अंतर बताना है और इसका आशय स्पष्ट करना है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखा गया था, तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से ज्वाइन होकर पूरे क्वेश्चन के अच्छे से आपको आंसर मिल जाएंगे। सो आपको कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रहिएगा, हम इसका जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। सो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।